सभी को ओम। कैसे हैं मित्रों आप लोग? मित्रों, अभी तक मैंने जो प्रोग्राम बनाए हैं, किसी के घुटने के दर्द के लिए बनाए हैं, किसी के कमर के दर्द के लिए बनाए हैं। आज मैं जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, वो मोटापे के लिए बनाने जा रहा हूं, ओवरवेट के लिए बनाने जा रहा हूं, ओबेसिटी के लिए बनाने जा रहा हूं। और इसमें जो पहला ही नाम है वो है वार्म अप एक्सरसाइज योगिक जॉगिंग। सो हियर थ्री टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग आर वार्म अप एक्सरसाइज। तीन प्रकार के आपको हम यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। पहला वाला बहुत ही सरल और सिंपल है, इसे कोई भी कर सकता है, केवल जो अपने पैर पे खड़े हो सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ये उनके लिए है। दोनों पैरों में 4-5 इंच का गैप रखिए, दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ करके नाभि पे रख लीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इतना खींचिए कि आपकी एड़ियां भी उठ जाएं। बैलेंस ऑन योर टोस, देन विद एक्सहेल कीप योर हैंड्स डाउन, रेज योर टोस, रेज योर हील्स, रेज योर टोस, ऑन टोस, ऑन हील्स। यस, ऊपर जाएगा हाथ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस एक्सरसाइज से आपका वजन तो कम होगा ही होगा, आपके एड़ियों में जो दर्द है, आपके एंकल में जो पेन है वो भी कम होगा, आपके शोल्डर का पेन भी कम होगा, आपके नी का पेन भी कम होगा। सो इसको आप 20 से 25 बार कर सकते हैं, आप अपने शक्ति अनुसार। डू दिस एक्सरसाइज फॉर 20-25 टाइम एज पर योर कैपेसिटी एज मच। दिस इज द टाइप ऑफ वन ऑफ वार्म अप, नंबर वन। नंबर सेकेंड, तिर्यक ताड़ासन। फर्स्ट वन इज ऊर्ध्व ताड़ासन, सेकेंड वन एक्सरसाइज विद तिर्यक ताड़ासन। इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, कीप ऑन योर हेड, विथ इनहेल स्ट्रेच योर हैंड्स ओवर योर हेड, विदाउट बेंडिंग योर नीज बेंड ओवर द राइट साइड, लुक अहेड विथ एक्सहेल। अगेन इनहेल स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड विथ एक्सहेल बेंड ओवर द लेफ्ट साइड, यस इनहेल अप एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप लोग भी चाहो तो साथ में कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल एक्सहेल, एक्सहेल एक्सहेल, एक्सहेल एक्सहेल, एक्सहेल एक्सहेल एंड एक्सहेल। ये जल्दीबाजी है, टाइम कम है, तो इस पैकेज को आप कर सकते हैं। अगला है, इसी में अगला है कटी चक्रासन। सो सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे तक ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से बिल्कुल पीछे, दोनों हाथ पीछे जाएंगे 180 डिग्री कोण पे। फिर सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल 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 एक्सहेल एंड हा 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 हा। ओ, तो ये तीन हो गया। चौथा वार्म अप का चौथा एक्सरसाइज है ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन या हस्तोत्तानासन एंड हस्तपादासन। सो कीप योर पाम ऑन योर थाई, विथ इनहेल रिच योर हैंड स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड लुक अप बेंड ओवर बॉडी बैकवर्ड एज पर योर कैपेसिटी एज मच, विथ एक्सहेल कीप योर हैंड्स डाउन, ट्राई टू टच योर टोस, फर्स्ट यू कैच योर टोस एंड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, लुक अहेड विथ इनहेल रिच योर हैंड्स, एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड
बेंड डाउन, जिसके कमर में दर्द है वो सामने ज्यादा ना झुके, बस कमर में जिसके दर्द हो यहीं तक कर लें, अप एंड डाउन, और धीरे धीरे जैसे जैसे कमर का दर्द कम होता है इसको और आगे आगे बढ़ते जाएं, और फिर स्ट्रेच करके नीचे तक, एंड डाउन एंड डाउन एंड ओवर। फिर जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरे कमर में ज्यादा मोड़ आए, क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे से, लेफ्ट हैंड को पीछे से अंदर घुसाएंगे दोनों पैर के बीच में, राइट लेग को पकड़ लेंगे, राइट हैंड को पीछे से घुमाए घुसाएंगे और लेफ्ट को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों में इतना ही गैप रखें कि दोनों हाथ घुस जाएं, और फिर अपने घुटने को किस करने का प्रयास करिए। एक बार पीछे से बताता हूं, दोनों घुटनों में करीब करीब 6 से 9 इंच का गैप, दोनों हाथों को पीछे से राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, क्रॉस करके लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे, दोनों हाथों को पकड़ के और अपने घुटने को किस करेंगे, फिर और धीरे से, ठीक है। ये तो एक द बेस्ट स्टैंडिंग एक्सरसाइज फॉर वेट लूज एंड स्ट्रेंथ गेन इज द हॉर्स राइडिंग एक्सरसाइज। माई फेमस एक्सरसाइज इज हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी का आसन है। क्या करना है, सावधान खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है कि जैसे हमने घोड़े की रस्सी पकड़ रखी है, और टोस के ऊपर खाली हमारे हील अप एंड डाउन होंगे, जो हील अप एंड डाउन आपकी एरिया केवल उठेंगी, कैसे देखिए, अप एंड डाउन, अप अप एंड डाउन, अप, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, बस यहीं पे थोड़ा थोड़ा हील पे और थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे टोस के ऊपर जंप करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 तो ये दो तो बड़ा सरल है, आप ऊपर नीचे कर दीजिए, साइड साइड में कर दीजिए। तीसरे वाले में समझने की बात है, तीसरे वाले में जब हम करते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारी जो एरिया है वो बटक से ऐसा लगनी चाहिए, और यहां से जैसे हम सामने वाले को बॉक्सिंग बनाते हैं, है ना, इसको वैसे आप रेल चाल भी बोल सकते हैं, प्रेम रन। तो हम स्टार्ट करेंगे, अपने अपने शक्ति अनुसार इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अधिकतम 5 मिनट के ऊपर तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया, रोज इतना कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि रोज 100-200 ग्राम से लेके 1 किलो तक भी वजन कम कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए उपयोगी है शेयर कीजिएगा, और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम।